नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का फिर से एक बार हमारे प्यारे से व्लॉग में। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो। तो आज है 5th और आज हम लोग जा रहे हैं लॉन्च इवेंट के लिए, मैं और भाई है। तो आज फौजी गेम लॉन्च हो रहा है, तो अक्षय कुमार से काइंड ऑफ मीटअप टाइप है क्योंकि उनका ही गेम है। आई एम वेरी 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 लाइक एक्साइटेड टू मीट बिकॉज मैंने उनको, ऑब्वियसली हम सब ने उनको ऐसे ही देखा है, इन सच अ गुड एक्टर। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने में। वैसे तू मिल चुका है ना यार अक्षय कुमार? तो से पहले मिल चुका हूँ। कैसे हो? मतलब मैं तो कभी मिली नहीं, मुझे तो फुल ऐसा लग रहा है कि एकदम टीवी में देखा। अक्षय बहुत यार, मतलब बहुत सही है हमारा। हमने तो गेम भी साथ में खेला था, तो गेम में भी सही गया था। उन्होंने मेरे को एक बार हराया था, मैंने 3 बार हराया था, वो नहीं बताऊंगा बट उन्होंने मेरे को एक बार हराया था इस गेम में, तो अच्छा था। यार मैं तो मिली नहीं, तो देखते अभी कैसा होता है। हमारा इवेंट है एक 12 बजे है, बट थोड़ा सा टाइम है, 10 मिनट में शायद हम लोग पहुंच जाएंगे और देखते हैं कैसा होता है। आपको आगे का सब कुछ धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है? सो स्टे ट्यून। गाइस यहाँ है हमारा इवेंट सहारा स्टार, पहुंच चुके हम लोग इवेंट पे। अभी बस अंदर जाके देखते हैं क्या चल रहा है। अरे वो फौजी का लगा हुआ है बिल्डिंग कहाँ पे, अभी देखो दिखेगा। लगा हुआ है क्या पोस्टर टाइप? हाँ मतलब वही। अच्छा वर्ल्ड प्रीमियर, हाँ दिख तो रहा है फौजी डोमिनेशन। तो गाइस ये है कुछ सेटअप फौजी डोमिनेशन। अभी इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो टाइम है इवेंट के लिए वैसे, बट गाइस अभी यहाँ पे मीडिया इंटरेक्शन चल रहा है थोड़ा 1-on-1। इसके बाद हमारा है फिर आई थिंक कुछ 14 इन्फ्लुएंसर्स है टोटल, और अभी अक्षय सर आने वाले हैं, उनसे थोड़ा सा बात बात करेंगे, फोटोज़ क्लिक करेंगे और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी क्या होता है। कोई कैरेक्टर बनना चाहते हो इस गेम में? ओके क्या बनना चाहते हो? यू फील दैट, यू फील दैट। सो दिस गेम हैज आई गेस मोर देन 5 कैरेक्टर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिस इज कितने? आई थिंक इट्स अबाउट 5 कैरेक्टर्स। या ना 5 कैरेक्टर्स एंड इट्स अ 5v5 गेम। पहले स्टोरी मोड आता था। हाँ पहले वो गलवान वाली है। करेक्ट, आई प्लेड दैट। अभी तक इवेंट स्टार्ट हुआ नहीं है वैसे। अभी कितना है हमारे पास? अभी हमारे पास है थोड़ा ही टाइम बचा है, तो फटाफट मीडिया इंटरेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे एंड आई थिंक उसके बाद हो जाएगा। क्या लिख रहा है? मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। काय का ड्राइंग? वो जो फौजी में ए के अंदर जो वो है ना, जो बंदा जान लेके खड़ा। अच्छा वो एक्चुअल जो फौजी है वो? हाँ उसकी ड्राइंग ट्राई कर रहा हूँ बना। ये ड्राइंग सर तो बन रहा है मुझे फौजी से ज्यादा ये लड़की दिख रही है लेकिन नहीं सर देख उसका हेलमेट तो बन गया है, ठीक है लेवल 3 हेलमेट तो बन गया, लेकिन मैंने स्टार्ट नीचे से किया, उसके बाकी बॉडी कहाँ बनाऊं उसके लिए जगह ही नहीं है सरकटा बना दिया तूने। सरकटा सर है वो, सरकटा कैसे होगा पागल? अरे वो कट के इधर आ गया है सर, बॉडी कटा हो गया, बॉडी कटा, बॉडी कटा, हड़ कटा हो गया, हड़ कटा। हां गाइस मैं आपको मिलाती हूं एक स्केचर से, इनको अवार्ड मिलने वाला है टू ड्रॉ दिस कैरेक्टर। अभी तो क्या है इन्होंने काफी कुछ चेंज कर दिया है, पहले तो हैंड टू हैंड वाला था, अभी 4 से 5 हजार करोड़ रुपया जस्ट गोज फॉर देम एवरीथिंग। सी वी वांट टू डू टुडे, इंडिया इज गोइंग थ्रू अ ग्रेट टाइम इकोनॉमिकली, दैट वाज द बिगनिंग ऑफ दिस बिग लॉन्ग रोड
He not only inspired us to think big, but he also helped us dream bigger. And what you are seeing here, मैं आज एक काम करने आया हूँ और मेरा आज एक ही मुद्दा है, एक ही सपना है, वो है मेड इन इंडिया. वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट. हमें इसकी शुरुआत मैं आपको बताऊँ 3-3.5 साल पहले हुई थी. मैं विशाल से मिला था, इससे बात की थी मैंने और हमने ये सोचा था कि हम एक गेमिंग शुरू करेंगे. तो तभी मैंने इसे कहा था क्यों ना हम एक गेमिंग शुरू करें जिसका नाम रखें हम फौजी, जिसका रिजल्ट उस वक्त आप लोगों ने देखा, करीबन 4.5 करोड़ लोगों ने उसे डाउनलोड किया था. और मैं ये कहना चाहूँगा अब हम एक फुल्ली अपग्रेडेड मल्टी प्लेयर शूटर वर्जन ला रहे हैं जो कि फौजी है. डोमिनेशन विद ऑल द काइंड ऑफ वर्क्स इट हैज. Special in-game item which people can buy in the game, going badge hoga, and whenever you buy that badge, the value of that badge will be directly donated to Bharat Ke Veer Foundation. So apart from this 25 lakhs, every gamer who is going to play this game will have the ability to contribute to the soldiers and the martyrs of our country. देखो गाइस, ये डेवलपर टीम है जिन्होंने गेम को डेवलप किया है, बनाया है. अब इनका फोटो सेशन होगा थोड़ा सा. बाप रे, तो स्टेज कम पड़ जाएगा. हो गया गाइस, आधा इवेंट, आई थिंक पूरा इवेंट हो गया है ना. मतलब कैसा लगा मिलके आप लोगों को? मे बी दे आर शोकेसिंग द ट्रेलर वंस मोर. हां, वो तो मैंने कर दिया. देखो गाइस, लंच करने आए हैं. पता नहीं क्या लंच है ये, बट मैंने लिया है पकोड़े, सैंडविच और बटरस्कॉच का स्लाइस. ठीक है, वैसे तो बहुत ऑप्शंस थे बट चिकन हम खाते नहीं हैं तो चिकन मैंने लिया नहीं. फिर पाव भाजी भी था, रोल था, बट यार इतना हैवी खाने का मन नहीं है इसलिए हमने यही खाया. चलो यार, यही एंजॉय करते हैं अभी. ये देखो गाइस, हमको फौजी की तरफ से कुछ टी शर्ट्स एंड गुडीज़ मिले. एंड अभी इधर इंटरव्यू ख़त्म हो जाए थोड़ा सा, फिर हम चलते हैं घर. काफ़ी अच्छा था यार इवेंट, स्पेशली अक्षय सर से मिलना हो गया तो एकदम मज़ा आ गया. अभी हम लोग जाएंगे घर इस इंटरव्यू के बाद. हाँ जी गाइस, इवेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है आज का और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ. ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है. मैं क्या ट्रैफिक दिखाऊँ आपको, ये देखो भाई कितना ट्रैफिक है, बहुत तगड़ा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा. तो अभी तो चलते हैं. इवेंट तो बहुत सही था, नया गेम ही कह सकते हो, बिकॉज ये इन्होंने नए नए मोड इसमें ऐड कर दिए. 5v5 बैटल, ठीक है, बैटल मतलब वो टीम डेथ मैच वाला वो है. उसमें वेपन्स भी अच्छे थे कुछ. हाँ, उसमें वेपन्स भी बहुत सारे उन्होंने ऐड करे हैं. मीली वेपन्स भी है, जैसे कि नाइफ एंड ऑल, आप नाइफ भी कर सकते हैं क्लोज कॉम्बैट में. और अब लेकिन डेथ मैच में मेरे को स्नाइपर दिखा नहीं, बट मेरे को वो दिखा, AKM वगैरह दिखी, माइक्रो SMGs दिखी, उजी वगैरह, वो सब दिखी है. और मैप भी थोड़ी बहुत इंडियन बेस्ड ही है, जैसे कि बस्ती, एक मैप का नाम बस्ती था, एक मैप का नाम बावड़ी है, जो राजस्थान में कोई तो भी प्लेस है जहाँ पे बावड़ी है, पता नहीं उससे कुछ रिलेटेड है शायद. और
जो बस्ती है वो थोड़ा सा स्लम एरियाज में गली गली में से घुसा के एक मैप बनाया हुआ है, टनल वगैरह भी उसमें है, तो ऐसा कुछ तो है। तो ओवरऑल तो देखते हैं कैसा आता है, क्या क्या होता है, एंड बाकी तो फिर पता चली जाएगा जब आ जाएगा लोगों को कैसा लगता है। बाकी रजिस्ट्रेशन कुछ ओपन है? हाँ, प्री रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। ऑल्सो अभी वो लोग कह रहे हैं कि ई स्पोर्ट्स भी है इस गेम में। अब वो ई स्पोर्ट्स कैसे होगा, क्या होगा, वो देखने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ई स्पोर्ट्स में ही आजकल लोगों को काफ़ी मज़ा आता है, कॉम्पिटिटिवनेस खेलने में, जो क्या कहते हैं किक है वो बाकी जगह पे तो नहीं मिलती ना आपको, सो वही है। बाकी तो चलो देखते हैं। हाँ, ये भी मिला है कुछ, पता नहीं क्या है इसमें, बट कुछ तो है, कुछ तो हुआ है। गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं, मैं तो अपने घर आ गई हूँ और सामान वामान भी है आपने, मतलब ये बैग है और ये जो गुडीज मिली थी, अभी थोड़ी देर बाद देखती हूँ मैं कि इसमें क्या मिला है। मुझे तो लग रहा है टी शर्ट्स वगैरह है कुछ, और पता नहीं कप्स वगैरह देते हैं वो, तो लेट्स सी यार क्या है। मुझे भूख भी लगी है, मैंने वहाँ पर पेस्ट्री खाई थी बट थोड़ी भूख है, तो देखते हैं, देखना पड़ेगा कि क्या खाऊँ। अभी खाना बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मम्मी है नहीं घर पर, तो चलो चलते हैं अभी।